हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है। आज हम दिखाने वाले हैं कि एक गांव में होली कैसे सेलिब्रेट की जाती है, क्योंकि त्यौहार जो है शहरों में आप देखोगे तो अलग अलग तरीके से, मतलब प्रॉपर जो उनका फील है उसके साथ सेलिब्रेट नहीं कर पाते। आज होलिका दहन है और आज होलिका दहन से लेकर कल धुलंडी तक हम सारा कैप्चर करने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं कि कैसा सेलिब्रेशन होता है एक्चुअल होली का। और मेरे साथ आज नई स्टारकास्ट नए एक पर्सन है जिनका नाम है मिस्टर अंकुश कठेरिया, जो मेरे बड़े भैया हैं। तो मैं बाउंड्रिंग इंजीनियर का बड़ा भाई और मैं और सनी मिलके आपको बताएंगे कि कैसे होती है गांव में होली और कैसे सेलिब्रेट होती है, कैसे रात को हम जाएंगे आग लेके आएंगे, कैसे घर में होली जलाएंगे। तो उन सब के लिए बने रहो चैनल पे और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। स्टे ट्यून्ड गाइस, बाकी का अपडेट अभी हम देते रहेंगे आपको। पहला टास्क होता है, जैसे आज होलिका दहन है तो आज हमारे घर पे एक होली लगाई जाती है और एक होली बाहर रहती है, तो बाहर से हम आग लेके आते हैं और हम अपने घर पे जो होली है उसको जलाते हैं। तो अभी हमारी मम्मी जो है वो चौक पूर रही है, हमारे साथ में आसी है और हमारी बेबी अनाया है जो हमारे स्टार कास्ट में फीचरिंग है इस बार। तो मम्मी बताओ कैसे कैसे क्या करना होता है यहाँ पे, चौक पूर रही हो आप तो करना होगा, बलगुरियों को रखना है यहाँ पे। अच्छा, फिर पूजा होगी उसकी। अच्छा, पूजा होगी। बताओ, ये तो चौक पूर रही है मम्मी, तो यहाँ पे हमारे जो घर पे होली रखी जाएगी वो यहाँ पे रखी जाएगी, उसके लिए ये चौक पूर रहा है। हाँ, तो जैसे मैंने बताया था कि हमने चौक पूर रहे थे, तो अभी जो चौक पूरने पे जो हमारी होली बनाई जाती है वो गोबर जो होता है, काऊ का डंक, काऊ डंग जो होता है उसके ये उपले से बनाए जाते हैं, जिनमें हम हाँ जैसे ये होते हैं, ये होते हैं और छोटी छोटी बलगुरियाँ, इनको बलगुरियाँ बोलते हैं बेसिकली। तो इनको हम सुतली में प्रो रहे हैं और इनके सर्कल बनाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे, एक बनाएंगे होली की तरह। तो सारे लोग काम पे लगे हुए हैं हमारे। हैप्पी होली एवरीवन। ठीक है, तो मैं भी थोड़ा बनाता हूँ और उसके बाद आपको बताते हैं। तो हमने अपने घर पे कहते हैं जो होली हमारे घर पे लगती है वो हमने अभी बना दी है, कंप्लीट हो गई है और ये पूरी इको फ्रेंडली है, काऊ डंग से बनती है और इसके अंदर जो धागा यूज़ होता है वो भी जूट का यूज़ होता है, प्लास्टिक कुछ भी नहीं है। तो अभी का टास्क हो गया है, तो इसकी पूजा होगी और रात में हमारे यहाँ पे होली में जो मेन होली है उसमें आग लगती है और उसके बाद हम वहाँ से आग लेके आएंगे और इसको जलाएंगे, तो आपको दिखाएंगे वो भी। स्टे ट्यून्ड। तो अभी हम अपनी मेन होली से आग लेके जा रहे हैं और अपना जो घर पे हमने छोटी होली बनाई है उस पे हम आग इससे लगाएंगे। आओ चलो आओ। अरे वो पूरी को करनी थी ना, जली गई आग। सो मेन होली से हम आग लाने के बाद अब अपने घर पे अपनी वाली जो होली है उसमें आग जला रहे हैं और ये अब हमारे घर की होली पे थोड़ी आग लग जलना स्टार्ट हो गई है और ये हाथ में जो जौ होता है, जौ की बाली, उसको भून रहे हैं ये लोग। नहीं नहीं वो उसका धुआं ले लो।
वी आर सेलिब्रेटिंग होली, हैप्पी होली गाइस फ्रॉम वॉन्डरिंग इंजीनियर टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी होली, हैप्पी होली। और मेरे चाहने वालों प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, ये हैप्पी होली टू एवरीवन। यहाँ पे एक राउंड और फिर से शुरू होता हुआ। गुलाल की जगह पे सीमेंट से होली होती हुई। अबे